हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। फ्रेंड्स, बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और आपको भी किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे जो टॉप 1000 करेंट अफेयर्स वाले सीरीज है उसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे हम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। फ्रेंड्स, आप फिर नीचे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर पे एक एडवर्टीजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन CS और सिविल अगेंस्ट। एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस पे व्यू कर लेते हैं। ये ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर से ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर एड्रेस लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस जॉब के लिए मतलब ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट इंजीनियर। ट्रेनी अंडर E&A में कैडर टेबल 1 एंड असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी अंडर सिविल कैडर टेबल 2 अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अंडर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकले फ्रेंड्स, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग अंडर सिविल कैडर, मतलब सिविल के लिए इंजीनियर के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भर्ती निकले हुई अलग अलग पदों पर। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, देख सकते हैं। इसमें पहला वैकेंसीज है पोस्ट कैडर E&M के तहत, पोस्ट का नेम है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। इंजीनियरिंग कैटेगरी इलेक्ट्रिकल का है, टोटल पोस्ट इसमें 180 है। अनरिजर्व यानी जनरल का पोस्ट है 132 फ्रेंड्स, 132 है। और OBC में 31 पोस्ट है और SC में 17 है, ST में कोई भी पद नील है, ठीक है फ्रेंड्स, ST में कोई भी इसमें पोस्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है UP डोमेसाइल ओनली, यानी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उसी के लिए OBC SC और ST पर आरक्षण लागू होगा फ्रेंड्स। नहीं तो जो भी अदर स्टेट के लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व में आ जाएंगे, यानी जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, दूसरा पोस्ट है पोस्ट कैडर E&M में असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी। इसमें इंजीनियरिंग का कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस, जिसमें टोटल पोस्ट है 40। जनरल के लिए 19 पोस्ट है, OBC के लिए 14 है और ST SC के लिए 6 पोस्ट है, और ST के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, थर्ड नंबर पे E&M ही है पोस्ट कैडर, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग। इसमें इंजीनियरिंग कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। इसमें टोटल पोस्ट है 61, अनरिजर्व है 26, यानी जनरल का 26 सीट है, OBC का 20 सीट है, SC का 14 सीट है और ST का 1 सीट है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ST का इसमें बहुत कम सीट है, ठीक है फ्रेंड्स, किसी किसी में तो है भी नहीं वो सीट। फिर टेबल 2 देख लेते हैं, पोस्ट कैडर है सिविल। इसमें सिविल के लिए पोस्ट नेम है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, ठीक है। इंजीनियरिंग का कैटेगरी है सिविल इंजीनियरिंग, देख सकते हैं इंजीनियरिंग का कैटेगरी है सिविल इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट है 18, अनरिजर्व यानी जनरल का 12 सीट है और OBC का 5 को है और SC क्या एक है और ST क्या नहीं है, इसमें कोई भी सीट नहीं है, नील है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है UP डोमिसाइल ओनली, यानी जो भी आरक्षण लागू होगा, जो भी रिजर्वेशन लागू होगा OBC SC और ST पे लागू होगा, और अदर स्टेट का जो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे वो जनरल में आ जाएंगे फ्रेंड्स। आगे देख लेके देते हैं, लिखा हुआ अदर प्रीवियस एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन अप्लीकेशन आर गिवेन एज अंडर, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी, आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स एवेलिंग द फैकल्टी ऑफ रिजर्वेशन शुड क्लियरली मेंशन द कैटेगरी एप्लीकेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। चेंज ऑफ डाटा विल नॉट बी अलाउड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कहने का मतलब है कि जिस भी कैटेगरी में कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर देता है उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट
The candidate has to deposit a separate application fee and fill another form to effect correction. मतलब जो भी त्रुटियां होगी इसमें करेक्शन करना होगा, तो सारे कैंडिडेट को अलग से फी पे करना पड़ेगा, उसके लिए चार्जेज अलग अलग लगेंगे. हाउएवर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी व्यूड एंड डाउनलोडेड प्रिंटेड. मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भले ही आप डाउनलोड या प्रिंट कर चुके हैं, लेकिन उसको अगर सुधरवाना है तो अलग से फी देना पड़ेगा. ऑन डिटेक्शन ऑफ इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन और सबमिशन ऑफ फॉल्स फेक डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर अपॉइंटमेंट एंड एनी स्टेज. कहने का मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दे गए वो पूरा फेक नहीं होना चाहिए. कहने का मतलब फेक नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर किसी भी स्टेज पर उनको आपके जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके जो भी अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं पे स्केल क्या है. एज पर सेवेंथ पे कमीशन, मतलब सातवां वेतन आयोग के तहत लेवल 10 है. RS 56,100 मिनिमम लेवल इन रिवाइज पे मैट्रिक्स, मतलब मिनिमम 56,100 है. डियरनेस एंड अदर अलाउंस एडमिसिबल एज पर रूल्स ऑफ UPPSL, मतलब कुछ इसमें होगा उसके जो UPPSL का रूल है उसमें उसके तहत. आगे देख लेते हैं आगे लिखा हुआ है इसेंशियल क्वालिफिकेशन. इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा फ्रेंड्स वो बतला रहा है. ठीक है, लिखा हुआ फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी ऑफ E&M कैडर कैंडिडेट शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि. यानी जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेगा उसको देवनागरी लिपि में हिंदी यानी हिंदी लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए. आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी. दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी, ए डिग्री इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अ मिक्स डिसिप्लिन जुग में डिग्री कंबाइंड विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक डिग्री चाहिए और उसमें मिक्स डिसिप्लिन यानी आपका बिहेवियर भी उसमें शामिल होगा फ्रेंड्स. डिग्री विथ कंबाइंड विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब आपका डिसिप्लिन का जो डिग्री होगा वो भी इसके मतलब कंबाइंड चाहिए, मतलब साथ ही में चाहिए फ्रेंड्स. देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ जो इलेक्ट्रिकल का है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल, इसके लिए वो क्वालिफिकेशन मांग रहा है फ्रेंड्स. ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है. आगे देख लेते हैं लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी, अ डिग्री इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो डिग्री है उसमें एक डिग्री चाहिए, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. देख सकते हैं इसके लिए बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए इसके हिसाब से डिग्री चाहिए फ्रेंड्स. यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन डिग्री. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है. आगे देख लेते हैं चौथा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरी के लिए है क्या क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए. देख लेते हैं ये जो है ये है जिसमें जब टोटल पोस्ट 40 है उसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन उसको देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अ मिक्स डिसिप्लिन यानी बिहेवियर से रिलेटेड है. डिग्री कंबाइंड विथ आइदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या तो आपको कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए या इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फ्रेंड्स. जो कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरी है उसके लिए आपको या तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए या नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए. आगे लिखा हुआ है द एबव डिग्री मस्ट बी ऑब्टेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इनकॉरप्टेड बाई एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटीज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956. कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो भी आपका डिग्री होगा या तो सेंट्रल लेवल का होगा या स्टेट लेवल के किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ होगा. ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मतलब सेंट्रल या गवर्नमेंट लेवल का उसमें होना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है फॉर असिस्टेंट इंजीनियरिंग टी ऑफ सिविल कैडर. जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग का है सिविल कैडर के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन बतला रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का है सिविल कैडर के लिए. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कैडर सिविल इसके लिए बतला रहे क्वालिफिकेशन क्या है. देख लेते हैं आगे
लिखा हुआ कैंडिडेट शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि का नॉलेज होना चाहिए, अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाई द लॉ इन उत्तर प्रदेश और फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट, और अ डिग्री और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट देयर टू बाई द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसके लिए भी सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए और देवनागरी लिपि का नॉलेज चाहिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं, आगे लिखा एज बताया गया, एज क्या है, एज मिनिमम 21 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष चाहिए, एज ऑन 1/7/2018 यानी काउंट होगा 1/7/2018 के बेसिस पे, ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम 21 वर्ष एंड मैक्सिमम 40 वर्ष, ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, अपर एज लिमिट पर रिलैक्सेशन है, आप इस मतलब कि आज पढ़ लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स। आगे लिखते हैं रिजर्वेशन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ है, कैंडिडेट हु आर वर्किंग विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अंडरटेकिंग शैल हैव टू सबमिट एनओसी फॉर देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयड एट द, वो एम्प्लॉयज के जो मतलब पहले से एम्प्लॉय हैं उनके लिए कुछ है नियम। अच्छा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी हेल्ड इन मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड मतलब कि CBT टेस्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा उसमें, इंटरव्यू एंड CBT टेस्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे ये सब पढ़ लीजिएगा आप, मैं ज़्यादा नहीं मतलब बतलाना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं सिलेबस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन, द सिलेबस ऑफ वेरियस डिसिप्लिन विल बी ऑफ गेट 2018, मतलब गेट का सिलेबस होगा जो 2018 का सिलेबस है वही सिलेबस होगा। ट्रेनिंग, द सिलेक्शन कैंडिडेट हैज टू अंडरगो द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ पीरियड एज डिसाइडेड बाय UPPCL, मतलब जितना पीरियड होगा ट्रेनिंग का जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके तहत डिसाइड होगा कि आपका कितना ट्रेनिंग पीरियड होगा। ऑन अ सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एज पर एग्जिस्टिंग रूल ऑफ UPPCL, मतलब ट्रेनिंग के सक्सेसफुल होने के बाद में आपका यहाँ पे फ्रेंड्स अप्लीकेशन फी लिखा हुआ है SC के लिए डोमेसाइल ऑफ UP और कैटेगरी ST डोमेसाइल ऑफ UP कैटेगरी, मतलब जो भी डोमेसाइल है SC और ST का UP का उसके कैटेगरी के लिए 700 रुपया फी पे करना होगा, और जो फी करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब पे करने के बाद में आप उसे मंगा नहीं सकते हैं, उसे वापस नहीं करा सकते, रिफंड नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा हुआ जनरल कैटेगरी OBC नॉन क्रीमी लेयर DFF, मतलब कि जनरल कैटेगरी और OBC के लिए है, जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं OBC उनके लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये। आगे लिखा हुआ PH वेल ओनली प्रोसेसिंग चार्जेस, मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा केवल 10 रुपये, जो PH है मतलब हैंडीकैप्ड है उनके लिए केवल 10 रुपये लगेगा। आगे लिखा हुआ चौथा नंबर पे कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी अदर देन उत्तर प्रदेश, स्टेट यूनियन टेरिटरी अदर देन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनको भी 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अदर स्टेट के जो लोग हैं उनको पे करने के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कैरेक्टर है कैंडिडेट विल हैव टू प्रोसीजर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम द हेड ऑफ द लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम टू रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हु शुड नॉट बी हिज रिलेटिव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब उसके एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ेगा ज्वाइनिंग के समय, जो उसका एक कोई भी रिलेशन में का ना हो, और कैंडिडेट विल प्रोसीजर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा लास्ट टाइम पे जो इंस्टीट्यूट में अटेंड हुआ था, मार्टियल स्टेटस वो सब, हाउ टू अप्लाई है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सच एज कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना है। आगे लिखा हुआ है ज्यूरिसडिक्शन है ये सब, डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट डेट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है पेमेंट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, 6 तारीख से मतलब इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है, प्रोसेसिंग फी जो एप्लीकेशन का फी आप 6 तारीख से 30 तारीख तक जमा कर सकते हैं, मतलब इस महीना के लास्ट तक 30 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी थ्रू चलान के थ्रू 6 तारीख से 30 तारीख तक वही डेट है जमा कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 6 से 30 तारीख तक। आगे लिखा हुआ टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो CBT का डेट है वो 2nd fortnight of December 2018,
कहने का मतलब सेकेंड फोर्टनेट ऑफ दिसंबर 2018, मतलब दिसंबर के शायद फोर्टनेट दूसरे सप्ताह में शायद बोल रहे हैं सेकेंड फोर्टनेट ऑफ दिसंबर 2018 कि सीबीटी एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी। आगे बोल रहे सपोर्ट एंड हेल्प, अगर कुछ भी आपको जरूरी हेल्प करना होगा, बस सॉरी अगर आपको हेल्प लेना होगा तो हेल्प डेस्क इतना है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है यहाँ पर, जीमेल है, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आगे और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप इस सभी जानकारी को समझ गए होंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा और जो बात आप समझ में नहीं होंगे उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, और ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।